एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली प्रिया में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शॉपिंग हॉल लेके आई हूँ, जो कि मैंने मीशो से की है। और इसमें मैंने कुछ कुर्तियां ली हैं, कुछ चिकनकारी कुर्तियां, जो कि काफी अच्छी प्राइस में भी मिली है मुझे, और काफी अच्छी कुर्तियां भी है। और इन सभी कुर्तियों के बारे में मैं आपसे ये चीज शेयर करूंगी कि कैसी हैं ये कुर्तियां और किस किस प्राइस पे मुझे मिली है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि कौन सी चीज इसमें आपको सबसे अच्छी लगी या कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए फिर ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट की, यानी पहली कुर्ती की, जो कि मैंने मीशो से परचेज की है, और वो है कॉटन की कुर्ती। क्योंकि कॉटन की कुर्ती काफी अच्छा लुक देती है, आप इसे किसी भी प्लाजो के साथ पहनते हैं तो काफी अच्छा लुक मिलेगा आपको। मेरे पास चिकनकारी प्लाजो लिया हुआ है मैंने व्हाइट कलर का, तो उसके साथ ये बहुत अच्छा इजीली पेयर हो जाएगी। इसे वैसे मैंने स्टाइल किया है अपनी जीन्स के साथ व्हाइट कलर की, क्योंकि कुर्ती थोड़ी ढीली है, तो उसके साथ अगर आप इस तरह की जो टाइट जीन्स होती है, स्किन फिट जीन्स होती है, उनके साथ अगर आप इस कुर्ती को पेयर करते हैं तो काफी स्टाइलिश लुक मिलता है आपको। तो ये है वो कुर्ती, और इसमें थ्रेड से पूरा ये गले के पास काम किया हुआ है, और बीच बीच में भी इस तरीके से वर्क किया हुआ है इस पे। और स्लीव्स इतनी है इसकी, 3/4 से थोड़ी ऊपर स्लीव्स है, और पीछे प्लेन है एकदम। और ये मुझे 295 कुछ रुपीस की मिली है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। इतने तक में कॉटन की कुर्ती अगर मिलती है तो मेरे ख्याल से वर्थ है इतने पैसे, अगर आप इस कुर्ती में लगा रहे हैं तो। और काफी अच्छा लुक मिला था, और कलर भी इसका सी ग्रीन में थोड़ा ब्लूइश में जो कलर होता है वो वाला कलर है, जो कि मुझे अच्छा लगा। और रिव्यूज भी काफी अच्छे थे जहां से मैंने ये कुर्ती परचेस की है। मैं इसका कोड नीचे शेयर कर दूंगी, अगर आपको ये कुर्ती पसंद आई है तो आप लोग भी परचेस कर सकते हैं। तो ये है पहला प्रोडक्ट और पहली कुर्ती, क्योंकि मैंने मीशो से परचेस की है चिकनकारी कुर्ती। नेक्स्ट कुर्ती है वो मैंने जॉर्जेट के लिए है, वो शॉर्ट कुर्ती है, और इसके भी रिव्यूज काफी अच्छे थे, और इवन मैंने देखा भी है बहुत लोगों को स्टाइल करते। और हाथ में जब आई तो मुझे उतनी ज्यादा तो पसंद नहीं आ रही थी, बट पहनने के बाद इसका लुक काफी अच्छा रहा था, क्योंकि मटेरियल ठीक ठाक है, ओके ओके टाइप का बोल सकते हैं आप। जॉर्जेट में है, प्योर जॉर्जेट तो नहीं है, थोड़ा मिक्स वाला जो होता है वो वाला जॉर्जेट है। इसमें भी इस तरीके से चिकनकारी वर्क किया हुआ है थ्रेड से, और कमर के पास इस तरीके से ये एक्चुअली पैम्पलेट टॉप के टाइप की कुर्ती है। आप उसे अगर जीन्स में इसके साथ पेयर करते हैं तो काफी अच्छा लुक मिलेगा। मैं पिक्चर शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, किस तरह की ज्वेलरी के साथ भी इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो ये है रेड कलर की कुर्ती, और इसे आप किसी फेस्टिवल में भी पहन सकते हैं। इवन आने वाला जो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिनमें हमें रेड कलर पहना होता है, तो इसे इजिली आप आराम से वहां पहन सकते हैं। तो ये है रेड कलर की कुर्ती, और इसमें पीछे की तरफ भी इस तरीके से वर्क दिया है, और इसमें पतली पतली प्लेट्स बना के नीचे ये पैंटर टॉप के जैसे फ्रॉक स्टाइल में ये बनाई हुई है कुर्ती। पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही थी, इवन मैंने सोचा है कि इसमें जो दूसरे भी और कलर हैं, व्हाइट कलर की भी है, और बहुत सारे कलर हैं इसमें, तो आप बहुत सारे कलर में से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, तो अच्छी मिलेगी आपको। हाँ, थोड़ा थ्रेड निकले हुए हैं तो थ्रेड का आपको कुछ करना पड़ेगा, काट के आप उसे अलग कर सकते हैं। तो ये है सेकेंड कुर्ती जो की मैंने मीशो से परचेस की है, और इसका प्राइस मुझे 400 पड़ा था, 400 के अंदर ही कुछ पड़ा है मुझे, मेरे को अभी याद नहीं क्योंकि मैंने बहुत पहले ली थी। तो ये है मेरी सेकंड कुर्ती जो कि मैंने मीशो से की है, और इसे मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, आप इसे भी ले सकते हैं मीशो से। इसके बाद जो नेक्स्ट कुर्ती है वो मैंने थोड़ी लॉन्ग में ली है, और मैंने थोड़ा थोड़ा लॉन्ग करती गई हूँ मैं कुर्ती, और ये भी जॉर्जेट में ही है, और ये कुर्ती मुझे काफी पसंद आई। इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा था, ये 700 के आसपास पड़ी है मुझे, और जो कि ठीक है, इस टाइप की कुर्तियां इतने ही प्राइस के आसपास मिलती हैं, और इसमें पूरा इस तरीके से काम किया हुआ है, इसमें गोटा पत्ती का भी काम है आप देख सकते हैं, और थ्रेडवर्क से भी पूरा चिकनकारी वर्क किया हुआ है, और स्लीव्स इसके इतने हैं, 3/4 स्लीव से थोड़ा सा ऊपर है, और ये भी थोड़ी सी ढीली थी मुझे, बट मेरे को लगा ठीक है थोड़ी ढीली अच्छी लगती है चिकनकारी कुर्ती। और इसको मैंने प्लाजो के साथ स्टाइल किया है, वैसे आप इसे बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, स्कर्ट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा लुक देगी। और ये है लॉन्ग स्टाइल में कुर्ती, नी से थोड़ा के आसपास ही कुर्ती है ये, और प्राइस मैंने आपको बता दिया कि 700 है। और इसका कलर ऑफ वाइट में थोड़ा बेज कलर जो होता है वो वाला कलर है, जो कि काफी अच्छा लुक देता है अगर आप पहनते हैं तो। और इस तरीके से है, प्लेन पीछे इसके प्लेन है एकदम, सामने की तरफ ही सारा वर्क किया हुआ है, और स्लीव्स में बाकी पीछे से एकदम प्लेन है, नहीं पीछे से थोड़ा है, पीछे से हल्के हल्के थ्रेड से काम है, थोड़ा थोड़ा वर्क किया हुआ है जैसे स्लीव्स में किया हुआ है। तो ये कुर्ती मुझे काफी पसंद आई, और इसे मैं जरूर रिकमेंड करूंगी आप जरूर परचेस करिए, जो कि काफी प्यारा लुक देती है अगर आप इसे वेयर करते हैं किसी भी चिकनकारी प्लाजो के साथ, इवन आप इसे जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं, जो कि अच्छा ही लुक देगी आपको।
तो ये मेरी थर्ड कुर्ती है जो कि मैंने मीशो से परचेज की है, चिकनकारी कुर्ती। जो नेक्स्ट कुर्ती है ये भी मुझे काफी पसंद आई और इसके भी जो मैंने जहाँ से ये परचेज की है काफी अच्छे रिव्यूज थे इसके मीशो पे और बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं इसमें, आपने भी शायद देखा होगा बहुत लोगों को कुर्ती लेते हुए। और ये एक कुर्ती ड्रेस स्टाइल में कुर्ती है जो कि फ्लोर लेंथ तक के आसपास की कुर्ती है और पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक, और इसे भी सॉलिड कलर में है तो बहुत तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके से, क्योंकि सॉलिड कलर ऐसा होता है कि हमें सोचना नहीं पड़ता, आप इस किसे भी प्रिंटेड और बहुत सारी चीजों के साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। एक चीज बहुत अच्छा होता है, प्रिंटेड जो चीजें होती है उनको थोड़ा सोचना पड़ता है, बट जो सॉलिड कलर की कुर्तियां होती है या कोई भी साड़ी या कोई भी चीज होती है वो आराम से आप पेयर कर सकते हैं किसी भी चीजों के साथ, किसी भी कपड़ों के साथ, कलर के साथ। तो ये है वो कुर्ती और इसमें पूरा चिकनकारी वर्क किया है और इसमें साथ में सीक्वेंस वर्क भी काम किया है। और इसमें भी मैंने पहले एक कुर्ती परचेस की थी, ब्लैक कलर की थी मेरे पास, जो कि बहुत अच्छी थी और मेरे को मीशो पे ये कुर्ती 900 के आसपास कुछ मिली है जो कि ठीक है, इस प्राइस तक में ही मिलती है ऐसी कुर्ती है, क्योंकि काफी अच्छा काम है इसमें, बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है, तो इस टाइप की कुर्तियों में ये इतना प्राइस होता ही होता है। और वो कुर्ती भी मैंने इसी प्राइस के आसपास कुछ ली थी। तो ये है वो कुर्ती और इसका इस तरीके से बैक है और इसमें ये पीछे बंधी दी हुई है ताकि अगर आप थोड़ी सी ढीले हैं तो आप उसे बांध सकते हैं। मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रही थी, पहनने के बाद मुझे थोड़ी सी ढीली हो रही थी, तो इसमें इस तरीके से जो बंधी दी हुई है इससे आप फिट कर सकते हैं उस कुर्ती को अपना पीछे बांध के। और गला भी इसका जो नेक डिजाइन है बहुत ही अच्छा है, कॉलर नेक है पीछे से स्टैंड कॉलर और सामने की तरफ से इस तरीके से इसका नेक डिजाइन है और पूरा सीक्वेंस वर्क है आप देख सकते हैं। मैं पहन के भी दिखा दूंगी आपको कि पहनने के बाद ही कैसी लग रही है, और बहुत ज्यादा तो घेरा नहीं है इसमें बट अच्छी लग रही है, पहनने के बाद अच्छा लुक देती है। तो ये है वो कुर्ती जो कि मैंने मीशो से परचेस की है, लास्ट कुर्ती जो कि काफी अच्छी लगी और मैं इसे भी रिकमेंड कर सकती हूँ आपको मीशो से लेने के लिए। ये था मेरा आज का वीडियो और ये थी वो सारी कुर्तीज जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की मीशो से जो कि मैंने परचेस की है, और सारी कुर्तियां काफी अच्छी लगी मुझे और देखा उसे प्राइस भी ठीक ठाक है इसका, क्योंकि आप कहीं बाहर से भी लेते हैं तो इसी प्राइस के आसपास आपको मिलेगी और ऑनलाइन ये चीजें आपको इतने आराम से घर में मिल रही हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छी चीज है। तो ये था मेरा आज का वीडियो और ये थी वो सारी शॉपिंग जो कि मैंने आज के वीडियो में आप लोग से शेयर की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।